प्रिय छात्रों, आज हम आपको परिमेय संख्याओं के भिन्नात्मक रूप को शांत और अशांत, इनका प्रसार शांत है या अशांत है, इसके बारे में जानकारी देंगे। कोई भी संख्या x, इसके जांच के लिए हम क्या दो नियम हैं हमारे पास। फर्स्ट, एक्स इज इक्वल टू पी अपान क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि क्यू के जो गुणनखंड होंगे दो की पावर m और पाँच की पावर n, जहाँ m और n ऋणेतर संख्याएं हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर p को q से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए तो प्रसार शांत होगा, और अगर शून्य नहीं आए, संख्याएं आती रहें भागफल में, तब प्रसार अशांत होगा। देखिए सेकंड पार्ट, x बराबर p बटा q का दशमलव प्रसार होगा यदि q is not equal to 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, जहां m व n ऋणेतर संख्याएं हैं। अब जब हम इसको व्यवहार में सीखेंगे तो पता लग जाएगा आपको। देखिए, ये तो इसको किसी संख्या से लेकर के हम जांच करते हैं, आगे चलते हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई एक, देखिए पहला सवाल लेते हैं हम, 13/3125। इसमें यहाँ पी बराबर 13 है और क्यू बराबर कितना, 3125। क्यू के हम गुणनखंड करेंगे, टुकड़े कर लेंगे, 3125 के लास्ट में पांच संख्या आ रही, तो पांच से कटेगी संख्या, ये 5 × 6 = 30, 2 × 1 = 12 होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। उसके बाद फिर हम पांच से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर पांच से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, फिर कहाँ से काटेंगे, 5 × 5 = 25। इसका मतलब ये हो गया 3125 = हो गया 5 की घात 5। यहाँ लिखेंगे 13/5 × 5 × 2 0। अब 2 की पावर क्या, 2 की पावर 0 का मतलब है 1। किसी भी संख्या की पावर हम 0 लिखेंगे उसका मान 1 होता, तो ये वही हो गया प्रकार। चूँकि क्यू के गुणनखंड 2 × 5 = 5 हैं, जो कि 2 × m और 5 × n
प्रकार के हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। ठीक, अब इसी के क्रम में एक और सवाल ले लें, हम दूसरा सवाल ले लेते हैं, सेकंड। ये देखिए 64 बटे 455 क्या होगा? इसमें पी 64 है और क्यू 455 है, इसके गुणनखंड कर लेंगे 455 के, 5 से काटेंगे इसे, 5 9 45 और 5 1 5, अब क्या होगा? 7 से काटेंगे, 7 1 7 7 3 21, यानी 455 इजिकल टू हो गया 5 × 7 × 13। अब क्या यहाँ पे लिख देंगे 64/5 × 7 × 13 13, क्योंकि Q के गुणनखंड 5 × 7 × 13 हैं, जो कि प्रकार के नहीं हैं। इसमें 7 × 13 भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत। आया समझ में? अब इसके आगे मैं कुछ सवाल देता हूँ, उनका दशमलव प्रसार आप ज्ञात करें, सवाल करें होमवर्क में। 17/8 15/1600 29/343 6/15 लिख लें, लास्ट 23/2 3 गुणा 5/2। इनको आप घर से कर लें। आज के कक्षा में बस इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।